वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर। कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर में आप सभी का स्वागत है। दिस विल बी करंट अफेयर सीरीज फॉर 23 मई। यह 23 मई के लिए करंट अफेयर सीरीज है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज से। आज की सीरीज में जो पहला करंट अफेयर है वो है बंगाल की खाड़ी से टकराएगा यास चक्रवात। देखिए अभी ताऊते चक्रवात आया था। ताऊते चक्रवात गुजरात, महाराष्ट्र तथा अन्य गोवा के तटों से टकराया है। अब ये ताऊते है, ताऊते के आने की चेतावनी दी गई है, जो कि बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न होगा तथा उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों से ये टकराएगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं, इस सप्ताह बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात आएगा। यास चक्रवात, यह चक्रवात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों को प्रभावित करेगा। अभी मैंने बताया कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ जो तटीय इलाके उनको प्रभावित करेगा। चक्रवात के मद्देनज़र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात के सुरक्षा की तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ठीक है ना। जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी को इसके लिए वार्निंग जारी कर दी गई है कि आप तैयार रहिएगा कोई भी दुर्घटना के लिए, है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देख लेते हैं। इस चक्रवात के कारण उड़ीसा के 14 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 14 जो उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हाई अलर्ट पे है। सरकार ने भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को मुस्तैद रहने के लिए कहा है। वही जो तटरक्षक बल हैं, कोस्ट गार्ड्स हैं एंड इंडियन नेवी के जो जवान हैं उनको चेतावनी जारी कर दी गई है इस चक्रवात के बारे में। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात 26 मई को उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। उड़ीसा और बंगाल के अलावा इस चक्रवात के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो हमारे यहाँ भारत के जो आइलैंड्स हैं, उनमें भारी वर्षा भी हो सकती है चक्रवात के नाते। तो आइए जान लेते हैं कि चक्रवात क्या होता है और कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि हरिकेन आया अमेरिका में, जापान की तरफ टाइफून आया, है ना। फिर ये एयर ट्रॉपिकल साइक्लोन आया। इंग्लिश नेम ले रहे हैं हम, जिनको हिंदी इनका चक्रवात ही होता है, लेकिन इंग्लिश में आपने न्यूज़पेपर यदि पढ़ते होंगे तो अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं इसी चक्रवात को, और जापान में टाइफून के नाम से जानते हैं। सारा एक ही फिनोमिना है, लेकिन नाम अलग अलग प्लेस के हिसाब से नाम दिया गया है। देखिए अब क्या होता है कि ये जो चक्रवात है ये आपके जो इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास के इलाकों में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो समुंदर के जो पानी है, समुंदर के पानी की जब हीटिंग होती है और हीटिंग से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट होता है जिसमें हीटिंग के नाते समुंदर में समुंदर का गर्म जो हवा होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, समुंदर के पानी के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती है और उसके चारों ओर क्या है, चारों ओर एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तथा जिस जगह की हवा ऊपर उठती है उसके बीच, जैसे मान ली ये यहाँ हीटिंग हुई समुंदर में, ठीक है ना, हीटिंग हुई और इस हीटिंग के नाते यहाँ की हवा ऊपर उठती है और इसके चारों ओर क्या है, चारों ओर की हवा ऊपर नहीं उठेगी। तो चारों ओर की हवा क्या होगी, एक तरह का एक सिस्टम क्रिएट कर लेगी। ये हवा चाहेगी कि हम आके इस जो बीच में गैप क्रिएट हुआ है हवा के उठने से उसको हम भरें, ठीक है ना। तो यही क्या होती है कि एक साइक्लोन का रूप ले लेती है, एक चक्रवात का रूप ले लेती है ना। तो इसी को हम इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं, अमेरिका में हरिकेन के नाम से जानते हैं और जापान में टाइफून के नाम से जानते हैं। सेम फिनोमिना, सेम नाम है हिंदी में और इंग्लिश इनका नेम डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा और डिटेलिंग देख लेते हैं क्या होता है चक्रवात बनने के लिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। जो समुंदर में गर्म और नम हवा ऊपर उठनी चाहिए, ठीक है ना। समुंदर के पानी की जब हीटिंग होती है, ये जनरली आप देखे होंगे यही आपके इसी मंथ में आता है आपका, ये जो मई हो गया, जून हो गया, इसी मंथ में आता है, मई, अप्रैल और मई। क्योंकि इस मंथ में क्या होता है कि हमारे जो जो सूरज होता है, सूरज हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नियर टू इक्वेटर होता है, लगभग इक्वेटर से थोड़ा सा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट हुआ रहता है सूरज, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो सूरज होगा, सूरज हमारा कहीं यहाँ कहीं
अपनी सन की किरणें डाल रहा होगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो इससे जो यहाँ जो समुंदर होता है, समुंदर का पानी हीट होता है, तो समुंदर का पानी जब हीट होता है तो हीट होने से ऊपर की हवा भी गर्म होती है, तो ऊपर की हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा हल्की होती है ऊपर उठ जाती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये इतने दूर की हवा ऊपर उठ गई और इसके चारों तरफ हीटिंग थोड़ी कम हुई, डिफरेंशियल हीटिंग मतलब हीटिंग कम हुई और बीच में हीटिंग ज़्यादा हुई, तो यहाँ की हवा ऊपर नहीं उठेगी, यहाँ की हवा नीचे ही रहेगी, और यहाँ बीच की हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम का यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा। तो इसी खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ से जो चारों तरफ से हवाएं अंदर की तरफ आती हैं, अब वही जब हवाएं आती हैं तो वही साइक्लोन का रूप धारण कर लेती हैं। यदि ये हवाएं 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती हैं तो इनको उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है, तूफान कहते हैं केवल, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल तूफान कहते हैं, ठीक। तूफान को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश नेम उसका हो जाएगा जो भी हो आप देख लेंगे, ठीक। और यदि वो 119 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलें तो उन्हीं को हम चक्रवात कह देते हैं, ठीक है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन कह देते हैं या अपने इंडिया के साइज में, ठीक ना। यही जब 119 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलें तो इस रीजन में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कह देते हैं और इस रीजन में इसको टाइफून कह देते हैं, और ये वाला जो रीजन है इस वाले रीजन में इसको हम हरिकेन कह देते हैं। ध्यान रखिएगा ये अमेरिका वाला रीजन है, ये आपका ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया एंड ये आपका ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है ना। तो देखिए अब आइए देख लेते हैं, तो अभी हमने पढ़ा है कि समुंदर की जो पानी है, समुद्र का पानी गर्म होना चाहिए उस साइक्लोन के लिए। जैसे जैसे अधिक से अधिक हवा ऊपर उठती है यह कम हवा छोड़ती है, मतलब जो इस हवा ऊपर उठेगी तो अपने नीचे एक वैक्यूम क्रिएट करेगी, भाई यहाँ बोल रहा है कम हवा नीचे छोड़ेगी, इससे कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, कम दाब वहाँ हो जाता है, इस क्षेत्र के चारों तरफ दाब अधिक होता है। तो अभी देखा मैंने यहाँ दाब, इसके चारों तरफ दाब अधिक होगा और आसपास के क्षेत्रों में हवा कम दाब के क्षेत्र को ढकेलती है, मतलब यहाँ से आसपास से हवा इस अंदर की तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, आसपास के ढकेलती है। अब यह गर्म हवा होकर ऊपर उठती है और चक्र चलना चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे ही अब ये चक्र स्टार्ट हो जाएगा तो ये साइक्लोन का रूप धारण कर लेती है ना। अब देखिए क्या होगा, ये जो गर्म हवा ऊपर उठ रही है यहाँ की बीच की, तो गर्म हवा ऊपर उठ के कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होके बादल का रूप ले लेगी और बारिश करती है, ठीक है ना। और जो ये वाला मिडिल वाला जहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ था, जहाँ हवा ऊपर उठती थी गर्म को, उसको चक्रवात की आँख कहते हैं, ठीक है ना, आई ऑफ साइक्लोन कहेंगे उसको, ठीक। तो आइए देख लेते हैं दूसरा करंट अफेयर क्या है। भारत में किया जाएगा फीफा अंडर 17 महिला कप का आयोजन, ठीक ना, ये नहीं काट दीजिएगा, ठीक। तो देखिए क्या हुआ था, ये जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप था ये 2020 में होने के लिए शेड्यूल हुआ था, ठीक। 2020 में कोविड के नाते इसको 2021 के लिए टाला गया, फिर 2021 में जब नहीं हो पाया कोविड के नाते तो 2022 में अब इसका शेड्यूलिंग कर दिया गया है ना। तो ये 11 से 30 अक्टूबर के बीच में इसकी शेड्यूलिंग की गई है कि ये फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो भी अंडर 17 महिला विश्व कप है, ठीक है ना। तो आइए अब देख लेते हैं फीफा अंडर 17 विश्व कप क्या होता है। तो 2022 में फीफा, यही वहाँ लिखा गया है कि 2020 में शेड्यूल हुआ था और 2021 में इसका पोस्टपोन कर दिया गया, फिर 2021 से 2022 में इसका डेट आगे बढ़ाया गया है। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक ना। तो देखिए अपने कॉपी में लिखिएगा कि भारत में आयोजित होगा अंडर 17 महिला विश्व कप, एंड उसके बाद से ये आप यू कैन राइट दीज डेट्स कि किस डेट में होगा, 11 से 30 अक्टूबर के बीच, और उसके बाद से ये जो होगा भारत में होने वाला ये दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा, जो पहला फीफा टूर्नामेंट 2017 मेल अंडर 17 फुटबॉल कप आयोजित हुआ था, और ये जो महिला वाला है ये दूसरा होगा भारत में खेला जाने वाला दूसरा होगा जो महिला अंडर 17 होगा, और इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। तो फीफा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फीफा क्या है। तो फीफा एक ना एक 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 काउंसिल है, मतलब कई सारे जो फुटबॉल खेलने वाले जो देश हैं उनका एक संगठन है,
उन उन देशों ने अलग 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 अपना फेडरेशन बना रखा है। जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने मिलकर एक अलग ही फेडरेशन बना लिया, एक ग्रुप बना लिया फुटबॉल का। जर्मनी हो गया, जापान हो गया, आपका यूके हो गया, इन्होंने एक अलग ही ग्रुप बना लिया फुटबॉल का। तो इन सारे ग्रुपों का एक एक संगठन है, इन सभी जो ग्रुप बनाते हैं इन ग्रुपों का एक एक तरह से यूनियन है फीफा। देखिए ये लिखा है, फीफा के सदस्य देशों को 6 संघों में वर्गीकृत किया गया, मतलब कि 6 जो संघ है, 6 जो काउंसिल है, फीफा के मेंबर हैं, ठीक है ना, 6 काउंसिल में बांटा गया है। भारत एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अंतर्गत आता है, जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है उसका मेंबर भारत है, ठीक ना। फीफा की स्थापना 1904 में डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड के संगठनों के प्रतिस्पर्धा को देखरेख के लिए की गई थी। ये जितने भी कंट्री हैं 1904 में इन्होंने मिलके एक अपना संगठन बनाया था, ठीक है ना। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में स्थित है, ज्यूरिक। फीफा स्विट्जरलैंड के कानून के तहत स्थापित एक संघ है। ये जो फीफा जो है, इसका जो मुख्यालय है फीफा का, वो ज्यूरिक में है, ठीक। और इसका जो फीफा में जो भी आपका जो कानून चलता है, जो लॉ चलता है, स्विट्जरलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। अगला देख लेते हैं, अगला जो आपका जीके है, करंट अफेयर है, उसमें जो क्वेश्चन है वो, त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया जागृति त्रिपुरा पोर्टल। तो देखिए, जागृति त्रिपुरा पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें क्या है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं, जो मतलब कि उनके पॉलिसीज हैं, जो उनके स्कीम हैं, उन स्कीमों का मिला जुला एक पोर्टल है। उन उन स्कीमों को एक साथ एक पोर्टल पे लाया जाएगा, ठीक ना, इस पोर्टल पे लाया जाएगा, जिससे जो कोविड महामारी में जो भी आपके बिजनेसमैन हो गए, या जो भी आपके छोटे छोटे जो कारखाना चलाने वाले जो आपके इंटरप्रेन्योर हो गए, वो उनसे जो प्रभावित हुए हैं, उनको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए पढ़ लेते हैं, हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने राज्य के लोगों को राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने में मदद के लिए जागृति त्रिपुरा नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसे मैंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जो से वो क्या बोलते हैं योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कंबाइंड, जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की योजनाएं अलग चलती हैं, राज्य सरकार की अलग चलती हैं, तो इन्हीं योजनाओं को एक कंबाइंड लाने के लिए, मान लीजिए केंद्र सरकार ने भी वही योजना चला रखी है जो राज्य सरकार ने चला रखी है, दोनों योजनाएं ओवरलैप हो जाती हैं, इसे बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, जिस योजना को चलाने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों ने दिमाग लगाया, काम किया, उसी योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार के भी अधिकारी दिमाग और जो कर्मचारी दिमाग लगा रहे हैं, तो वो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कहा जाता है, ठीक है ना, उसे मतलब रिसोर्स की बर्बादी कहेंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छा पोर्टल है, जिसमें पोर्टल पे दोनों सरकारों की योजनाएं होंगी, जिसे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचा जा सकेगा और लोगों तक ये इफेक्टिवली पहुंच पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न विभिन्न विभागों की कम से कम 109 योजनाओं को उपलब्ध कराया गया, 109 योजनाएं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव ने लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन व्यवसायी मालिकों का समर्थन किया जा सकता है जिनका व्यवसाय कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। 109 योजनाओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये देख लेते हैं, हमारा ये रहा प्यारा भारत और ये हमारा रहा रेडिंग से त्रिपुरा है, ठीक है ना। अब आपको ये जो सेवन सिस्टर्स कंट्री हैं, सभी के बारे में याद होना चाहिए कि कौन कौन कैसा कैसा है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है। और इन तीनों को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है ना। ये है NA, ठीक ना, नागालैंड, ये MA है, ठीक, ये MI है। इसको पढ़ सकते हैं नमामि त्रिपुरा, जैसे नमामि गंगे एक योजना आई थी ना भारत सरकार की, उसी तरह से आप याद रखिएगा नमामि त्रिपुरा करके, ठीक। और ये रहा मेघालय रहा, ये सिक्किम रहा, ये वेस्ट बंगाल रहा। आपको ये पूरा मैप अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो रमेश बेस हैं, ब्यास हैं, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लव कुमार देव हैं। तो आइए अगला देख लेते हैं, जो करंट अफेयर है वो, महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। तो देखिए क्या है कि अभी आपने देखा होगा जो कोविड की महामारी थी, कोविड वायरस के दौरान जो पेशेंट्स थे, पेशेंट में ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक। तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए, मतलब स्टेट को डिपेंडेंट बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च की है।
मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। अभी क्या है कि जो महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन का उत्पादन है वो 13 मीट्रिक टन प्रतिदिन है, 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इसको 3000 मीट्रिक टन ले जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना लॉन्च की है, ठीक ना। 1300 है, उसको 3000 करना है, ठीक ना, 1300 से 3000 करना है। तो ये डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो मतलब कि इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन उत्पादन में अपना ऑक्सीजन उत्पादन का जो काम कर रही हैं, जो ऑक्सीजन जो बना रही हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से विशेष छूट दी जाएगी। छूट इन द सेंस कि उनको जीएसटी में छूट दी जाएगी, उनको रिसोर्स में जो कच्चा माल उनको इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उनको बिजली की सुविधा अच्छे से दी जाएगी, उनके टैक्सेशन में गवर्नमेंट कुछ रियायत देगी, है ना। तो आइए देख लेते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये प्यारा भारत रहा, ये जो कलर से है महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र को कलर किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र कौन कौन से राज्य को टच करता है, किस राज्य को टच नहीं करता है। आपको सारी जानकारी इसमें इस मैप से होनी चाहिए। ये रहा गुजरात रहा, ये आपका मध्य प्रदेश रहा, ये आपका छत्तीसगढ़ रहा, ये आपका तेलंगाना रहा, ये आपका कर्नाटका रहा, ये आपका गोवा रहा, ना आपको याद होना चाहिए। और जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं, जो करंट अफेयर है। नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद को विघटित किया, नवंबर में होंगे चुनाव, है ना। तो देखिए देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग क्या है कि नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हाल ही में संसद को भंग कर दिया। अब नवंबर 2021 में आम चुनाव होंगे। हाल ही में केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, परंतु केपी शर्मा ओली विपक्षी नेता शेर बहादुर देउबा बहुमत सिद्ध करने में असफल रहे, ठीक है ना। तो जो इनके जो केपी शर्मा ओली थे, केपी शर्मा ओली को जो माने उन्होंने शपथ ली थी, शपथ लेने के बाद से बहुमत सिद्ध करना होता है पार्लियामेंट में, तो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। बहुमत सिद्ध का मतलब कि एक एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा आपके पास विधायक या सांसद होने चाहिए, ठीक है, सांसद तो सांसद होने चाहिए, जिससे वो नहीं सिद्ध कर पाए कि हमारे पास इससे ज़्यादा सांसद हैं, तो इसलिए इनकी सरकार गिर गई। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो है आधे से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ यदि 500 की संख्या है विधायक सांसदों की, तो 500 में से हमारे यहाँ एक पार्टी की सरकार बनाने के लिए 250 के सांसद होने चाहिए, 250, 250 से ज़्यादा, 500, 251 होने चाहिए, ठीक है ना। तो यदि जिसके पास 251 नंबर नहीं है वो सरकार नहीं बना पाएगा, ठीक। तो इसी तरह यहाँ था कि यहाँ भी ऐसा ही था कि इन्होंने शपथ ले ली थी, लेकिन जब यहाँ बहुमत सिद्ध करने की बात आई तो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, इनकी सरकार गिर गई। मुख्य बिंदु में देख लेते हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल की संसद में विश्वास मत खो दिया था। अब उन्हें 30 दिन के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा, होता है, यदि ऐसा करने में विफल रहे तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार किया जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 76 के, देखिए जो विश्वास मत खो देते हैं, विश्वास मत का मतलब विश्वास मत जो होता है वो विपक्ष लेके आती है। विपक्ष कहती है कि एक आपके जो स्पीकर होंगे या जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे उनके सामने ये रखा जाएगा कि देखिए इनके पास विधायक नहीं है, ठीक है ना। एक विश्वास मत पारित किया जाता है, यदि विश्वास मत पारित हो गया तो जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे या जो मुखिया होंगे उस देश के मुखिया को वो बहुमत सिद्ध करना होता है। यदि बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए तो सरकार उनकी गिर जाती है। भाई देख लेते हैं नेपाल का है, ये रहा प्यारा भारत, और प्यारा भारत में ये जो छोटा सा हिस्सा है ये नेपाल का है, और आपको मालूम होना चाहिए नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल कौन कौन से राज्यों को हमारे यहाँ टच करता है, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, इन सभी राज्यों को नेपाल टच करता है। आइए देख लेते हैं अगला जो जीके का क्वेश्चन है। आरबीआई ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी दी है। देखिए कोविड में क्या था कि जो कोरोना में सरकार के पास टैक्स कलेक्शन से लेके और तमाम सारे जो सरकार के जो राजस्व के सोर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो आरबीआई के पास जो सरप्लस पैसे थे वो सरप्लस पैसों को आरबीआई ने गवर्नमेंट को दे दिया है,
है ना, इस्तेमाल के लिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष सरप्लस होता है इसका मतलब 99,122 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने 5.5% का कंटिजेंसी रिस्क बफर बनाए रखने की मंजूरी दी है। ऐसा देखिए क्या होता है, जो आरबीआई होती है, आरबीआई के पास कुछ ना कुछ पैसे फायर फाइटिंग के लिए रखने चाहिए। फायर फाइटिंग का मतलब इमरजेंसी के लिए, मान लीजिए कोई बैंक डूब रहा है या कोई बैंक दिवालिया घोषित हो रहा है, तो उस बैंक को बूस्ट करने के लिए या उस बैंक को बचाए रखने के लिए, ताकि लोगों का विश्वास बैंक से न हटे, आरबीआई के पास कुछ ना कुछ फंड रहना चाहिए। तो वही यही कंटिजेंसी रिस्क बफर की बात की जा रही है, इसी को बोलते हैं रिस्क फंड, ठीक है। तो ये 5.5% आरबीआई अपने पास रखेगी उसमें। और देख लेते हैं जो ये डिसीजन लिया गया, ये जो आरबीआई की सेंट्रल कमेटी थी, उस सेंट्रल कमेटी की बैठक में लिया गया। उस बैठक का जो 589वीं बैठक थी, ठीक है ना, इसको हिंदी में पढ़ेंगे 589, ठीक है ना, 589वां बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी। और जो अदर मेंबर थे, जो डिप्टी गवर्नर थे, वो थे महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी रवि शंकर। आपको बस याद रखने हैं ये वाला पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं और ना हो तो ये मन अमाउंट भी लिख लीजिएगा ना। तो आइए देख लेते हैं आरबीआई क्या है। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं, जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो हमारा जो भारतीय अधिनियम एक्ट 1934 के तहत हुई थी, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में भारतीय जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। जब भारतीय रिजर्व बैंक बना था तो एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है ना, इसमें जो प्राइवेट लोग जो शेयर थे वो बहुत ज़्यादा थे, गवर्नमेंट से ज़्यादा थे, जो उसमें अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी सरकार से ज़्यादा प्राइवेट लोगों के शेयर थे, इसीलिए इसको एक प्राइवेट एंटिटी मानी जाती थी। लेकिन 1949 में भारत सरकार ने इसको इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण मतलब कर दिया, जो इसके जो प्राइवेट शेयर थे उस सारे प्राइवेट शेयर को गवर्नमेंट के द्वारा खरीद लिया गया। अब जो इस आरबीआई का जो स्वामित्व था वो भारत सरकार के अंडर में चला गया, ठीक है ना। और जो 1937 में इसका जो मुख्यालय हुआ, इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लीजिएगा कि आरबीआई को कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था। तो भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 के तहत बनाया गया था, स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और उसके बाद से 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। इसका राष्ट्रीयकरण के लिए कौन से एक्ट पारित किया गया, तो रिजर्व बैंक एक्ट 1948, ठीक है ना, 1948 इस एक्ट के तहत इसको नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब सरकारी बना दिया गया पूर्ण रूप से, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं अगला जो करंट अफेयर है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ये इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल डायवर्सिटी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी डे है, है ना। जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता का मतलब अभी आपके बारे में बताते हैं, जैव विविधता क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों एवं जीवों को संदर्भित करता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण प्राकृतिक संतुलन और मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है कि हमारे आसपास जितने ही डाइवर्स हमारा इकोसिस्टम होगा, डाइवर्स का मतलब जितने ही अलग अलग तरह के प्राणी पक्षी पेड़ पौधे होंगे, उतना ही हमारा जो मानव का अस्तित्व है वो स्टेबल होगा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पारिस्थितिकी डिस्टर्ब होता जाता है, इकोसिस्टम में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु वो खत्म होते जाते हैं, तो मानव के अस्तित्व पे भी खतरा आ जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। जितना ही ज़्यादा डाइवर्स हमारे यहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। तो ये इंटरनेशनल जो बायोडायवर्सिटी डे है उसका जो उद्देश्य क्या है, तो जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए। सबसे पहले कोई भी डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे या लेबर डे, तो उस डे पे जो भी उसका थीम होता है, मान लीजिए लेबर डे मनाया गया तो लेबर की जो दुर्दशा है या जो लेबर की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए लेबर डे मनाया जाता है। और ये बायोडायवर्सिटी डे है तो बायोडायवर्सिटी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग बायोडायवर्सिटी के बारे में समझ में आए, लोग बायोडायवर्सिटी की रिस्पेक्ट करें, जीव जंतुओं का सम्मान करें, ठीक। और दूसरा है, एक और जैव विविधता के महत्व
दूसरी ओर इसके अभूतपूर्व नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक कराना, ठीक है ना, जो बायोडाइवर्सिटी का हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है उस नुकसान को लोगों को बताना। लोग अभी उतना कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस का मतलब कि लोगों में अभी वो देख पाने की क्षमता विकसित नहीं हुई है कि हमारे यहाँ हमारे किस एक्शन से हमारे यहाँ पेड़ पौधे नुकसान हो रहे हैं। और लोग समझिए कि अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए या घर में एक पक्के घर में रहने के लिए पेड़ पौधे जंगल काटते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, साउंड पॉल्यूशन है आपके चारों तरफ, उसके बाद से एयर पॉल्यूशन है। तो उन सारे पॉल्यूशंस को यदि लोग कॉन्शियसनेस आ जाए, लोगों में यदि ये क्षमता आ जाए सेंस करने की कि देखिए मेरे इस एक्शन से ये बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, ये बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हमें किस तरीके से हमारे अस्तित्व को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये यदि लोगों में जागरूकता आ जाए तो लोग हो सके अपने इकोसिस्टम का रिस्पेक्ट करेंगे। तो आइए अगला देख लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 563 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 590.028 अरब डॉलर पे पहुंचा, ठीक है ना। ये देखिए जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसको फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। देखिए हर देश होता है, सभी देश के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने यहाँ मेंटेन करने की जरूरत होती है, जिससे उनके यहाँ जो उनका जो इस्तेमाल लीजिए हमारे यहाँ रुपया है तो हमारे यहाँ रुपया जो है हमारे यहाँ रुपया की वैल्यू को बढ़ाए रखने के लिए, हमारे यहाँ की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए हमारे एक फॉरेक्स मेंटेन किया जाता है। फॉरेक्स में हमारे यहाँ डॉलर को रखा जाता है। डॉलर का मतलब कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है उसको अपने यहाँ एक रिजर्व में रखा जाता है, ताकि हमारे यहाँ यदि डॉलर की जरूरत पड़े या हमारे यहाँ कोई बाहरी खरीदार हो या फिर हमारे यहाँ रुपए की वैल्यू गिरे या बढ़े तो हम उससे कंट्रोल कर सकें उससे, ठीक है ना। जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों मेंटेन किया जाता है। बस आप याद रखिएगा कि फॉरेक्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स का मतलब यही होता है विदेशी मुद्रा भंडार। 14 मई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 563 मिलियन डॉलर वृद्धि के साथ 590.028 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पे है। इस सूची में चीन पहले स्थान पे है, ठीक है ना। भारत चौथे पे है, चीन पहले स्थान पे है। चीन के पास बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है विदेशी मुद्रा भंडार। इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। अभी मैंने बोला है कि इसे फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है ना, या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है, ठीक है ना। आरक्षित मतलब जो बचा हुआ है, जो हमने रखा है रिजर्व करके। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है, ठीक है ना। भुगतान संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, कितना खरीदा हमने और कितना हमने बेचा, इसमें इसको हम बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है, मतलब कि रिजर्व परिसंपत्ति कहते हैं, ठीक है ना। यदि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट के टर्म्स में हम विदेशी मुद्रा भंडार को आरक्षित परिसंपत्ति कहते हैं, मतलब जो हमारे पास बची हुई परिसंपत्ति है। तथा पूंजी खाते में होते हैं, और ये पूंजी खाते में तथा कैपिटल जो हमारे यहाँ, जैसे कि अब इकोनॉमिक्स टोटली इकोनॉमिक टर्म है, आपको समझने में हो सके दिक्कत हो लेकिन आप अभी ऐसे पढ़ लीजिएगा। पूंजी खाता मतलब आप हमारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है ना, इसको हम पूंजी मान के चलते हैं। पूंजी ये किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि हमारे पास हमारी पूंजी ज़्यादा होगी तो बाहर से बहुत मतलब लोग सोचेंगे कि यार इस देश के पास पूंजी ज़्यादा है, देश काफ़ी स्टेबल है, तो लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने में हिचक नहीं करेंगे। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल तथा और अकाल्पिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है। मतलब वही जो हो गया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो भी मनी है या बिल है या जो शेयर्स है उसको रखा जाता है, ठीक है ना, किया जाना चाहिए। परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकार, सोने के भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भंडार अवस्थिति को शामिल किया जाता है। ये कहने का मतलब इसमें हम गोल्ड को भी रख लेते हैं, ठीक है ना। गोल्ड भी तो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेटल है, जिसको मतलब कहीं भी आप ले जाइए तो आपको उसके एवज में आपको मनी मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार तथा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना उचित है, अधिक उचित है ना। इसी के साथ आज की सीरीज हमारी समाप्त होती है। आज की सीरीज जो लास्ट में इकोनॉमिक्स की थी, थोड़ी बहुत टिपिकल होगी, यदि टिपिकल होगी तो आप बताइएगा। हम इकोनॉमिक्स की जो लेक्चर हमारे यहाँ पेड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे ही, आपको उसमें बता दिया जाएगा।
इसी के साथ धन्यवाद।